दोस्तों आज की कहानी है बुआ सासू माँ। अब मेरी माँ आपके पैर नहीं सुएगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी अब कैसी तबीयत है आपकी और आपके कमर का दर्द कम हुआ या नहीं? नम्रता ने अपनी माँ सुषमा जी से फोन पर पूछा। सुषमा जी जानती थी कि नम्रता खुद भी उनके लिए परेशान हैं, इसलिए उन्होंने अपना दर्द सिपाते हुए कहा, पहले से थोड़ा ठीक है बेटा, तुम चिंता मत कर, मैं कल आ जाऊंगी। नम्रता आगे कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि वो माँ को आने से मना भी तो नहीं कर सकती थी। कल उसका कुआ पूजन समारोह था। नम्रता का मुन्ना पूरे 40 दिन का हो गया था। घर की पहली संतान थी वो भी लड़का, इसलिए नम्रता के सास ससुर ने अपनी पूरी रिश्तेदारी में न्योता भेजा था। अब सारा परिवार आए और बहू के मायके वाले ना आए तो सब यही समझेंगे कि खर्चे के डर से बहू के मायके वाले समारोह में नहीं आए। इतना कौन सोचता है कि उनकी कोई मजबूरी भी हो सकती है। आखिर बहू की माँ आएगी तभी तो सभी की मिलनी होगी, यही तो रिवाज है। इससे बेटी का ससुराल में मान बढ़ता है और ससुराल वालों की शान। सुषमा जी जानती थी कि इस दिन उनका वहाँ उपस्थित होना अनिवार्य है, इसलिए अपने दर्द को भूलकर वो बेटी के ससुराल जाने की तैयारी में लग गई। सारे निगसार का सामान, नाती और बेटी, जवाई के कपड़े, ससुराल वालों के लिए उपहार और रिश्तेदारों के लिए शगुन के लिफाफे भी तैयार कर लिए थे। सही समय पर नम्रता के मम्मी पापा और छोटा भाई नम्रता के ससुराल पहुंच गए। रिश्तेदारों से घर खसा खस भरा था। नम्रता अपने परिवार को देख कर बहुत खुश थी। माँ देखने में तो ठीक लग रही थी लेकिन नम्रता महसूस कर सकती थी कि माँ को कमर दर्द के कारण उठने बैठने में तकलीफ हो रही है। रीत के अनुसार सुषमा जी सब की मिलनी कर रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपनी समधन यानी नम्रता की सास के पैर छूकर उन्हें लिफाफा दिया तो नम्रता को बहुत अजीब लगा। आखिर समधन तो गले मिल सकती है, उम्र में भी दोनों एक समान ही हैं, तो पैर सुनने की क्या जरूरत है। इससे भी ज्यादा अजीब नम्रता को ये लग रहा था कि उसकी सास ने भी उन्हें नहीं रोका बल्कि वो तो व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी। सुषमा जी ने नम्रता
की सास से कहा, समधन जी आप बता दीजिए कि आपके परिवार में किस किस की मिलनी करनी है, क्योंकि मैं तो सबसे पहली बार ही मिल रही हूँ। नम्रता की सास हाँ हाँ कहते हुए उठी और सुषमा जी का परिचय करवाते हुए बोली, ये मेरी देवरानी है, मतलब नम्रता की सासी सास सुषमा जी ने उनके भी पैर शुक्र सगुन दिया। ये मेरी बड़ी ननद है और ये मेरी छोटी ननद। सुषमा जी उनके पैर सुनने के लिए भी नीचे झुकी। नम्रता की छोटी बुआ सास तो उम्र में नम्रता से थोड़ी ही बड़ी थी, फिर भी उन्हें सुषमा जी से अपने पैर सुहाने में परहेज नहीं था। नम्रता को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी मम्मी इस तरह अपने से आधी उम्र की महिलाओं के पैर सुए, जबकि उनकी कमर में भी दर्द है। नम्रता उठकर अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें एक तरफ ले जाकर बोली, मम्मी अब आपको किसी के पैर सुनने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो शर्म नहीं आती, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। सुषमा जी ने नम्रता को चुप कराते हुए कहा, अरे बेटा ये तो रिवाज होता है, समधनों के तो पैर सुनने ही पड़ते हैं, आखिर इस घर में अपनी बेटी ब्याही है। नम्रता भरे मन से बोली, मम्मी क्या बेटी की माँ होना इतनी छोटी बात होती है कि आपकी तकलीफ भी किसी को नजर नहीं आ रही। रिवाज अपने से बड़ों के पैर सुनने का होता है, फिर आप तो उम्र में बुआ जी से काफी बड़ी हैं, फिर भी उनके पैर सू रही हैं। ये मुझसे नहीं देखा जाता। रही बात रिवाज की, तो इस घर की बहू मैं हूँ, जिसके भी पैर सुनने हैं और जितनी बार सुनने हैं मैं सू लूंगी, लेकिन आप अब किसी के पैर नहीं सुएगी। नम्रता की मम्मी उसे चुप रहने का इशारा कर रही थी। नम्रता ने पलट कर देखा तो पीछे उसकी सासू माँ खड़ी थी। समधन जी आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी कमर में दर्द है, और नम्रता शायद सही बोल रही है, मैं भी दो बेटियों की माँ हूँ और ये सब मुझे भी अपनी बेटियों की ससुराल में करना पड़ता है। सच में हमारा आत्म सम्मान सलनी होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो वही रिवाज हम भी बहू के मायके वालों पर लागू कर देते हैं। आगे से आपको हमारे पैर सुनने की कोई जरूरत नहीं है, हम समधन हैं और गले मिलेगी। कहते हुए नम्रता की सास ने सुषमा जी को गले लगा लिया। सुषमा जी की आंखें सल सला उठी और नम्रता खुश थी कि उसने कम से कम अपने घर में तो इस रिवाज का अंत कर दिया।